नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजादी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आपने कांवड़ यात्रा को लेकर के एक बात कही है जिससे काफी विवाद भी हो रहा है, क्या है वो बात बताइए। देखो, मैंने सच कहा है, सच सुन के कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। सच यही है कि सभी की धार्मिक जो है उनका स्ट्रक्चर है, धार्मिक जो आस्था है उसका सम्मान होना चाहिए। ये देश बहुधर्मी देश है। इस देश का संविधान आर्टिकल 25 सभी धार्मिक आजादी देता है, पूजने की, मनाने की और तमाम तरह से। अगर किसी के भी धर्म के साथ असमानता होगी तो उनमें ये पीड़ा पैदा होगी कि अपने देश में हमारे साथ गैरबराबरी क्यों हुई। कोई कहता नहीं, ना कहे भाई, हम तो कहेंगे। हमारा काम है सच को सच कहना, और सच ये है, हमने स्पष्ट तौर पर कहा, हमने किसी का विरोध नहीं किया। हमने कहा कि हिंदू धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं, 10-12 दिन के लिए कांवड़ यात्रा चलती है और भी बहुत सारे आयोजन होते हैं, तो उनमें पुलिस प्रोटेक्शन भी होती है, सारे काम किए जाते हैं, अच्छी बात है। और तमाम धर्मों के लोग, सिख धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और तमाम धर्म के लोग, उनका सम्मान भी करते हैं, उनकी आस्था में कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अगर कष्ट भेजा तो सह लेते हैं। लेकिन अगर 20 मिनट के लिए, ईद का त्यौहार 2 बार होता है, अगर नमाज अदा की जा रही है वो भी जो एक निश्चित जगह तय की गई है, तो उस पर अगर जानबूझ के आप इस तरह का माहौल बनाओगे कि हम होने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जब आपने देश के प्रधानमंत्री को, जिस देश के गार्जियन है, जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने ये बात तय की थी कि भय के आधार, पक्षपात के आधार पर, राग द्वेष के आधार पर हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे किसी की भावनाओं को पीड़ा पहुंचे। तो विधि के अनुरूप कार्य करने की आपने स्वतः घोषणा की, तो आपको अपनी शपथ को याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गार्जियन है उत्तर प्रदेश के, और योगी भी है, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा, उनको भी, उन्होंने भी शपथ के साथ ये वादा किया था कि वो धर्म के आधार पर गैरबराबरी नहीं करेंगे, विधि के आधार पर गैरबराबरी नहीं करेंगे, फिर भी होती है। इसलिए मेरा ये सवाल है कि भाई धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इसका और मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। दिल्ली में हमारा तुगलकाबाद में गुरु घर है, वो गुरु घर टूटा था 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, उसके बाद राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर बन गया। लेकिन तुगलकाबाद का हमारा जो गुरु घर है सतगुरु रविदास जी महाराज का, वो गुरु घर अभी तक नहीं बना, जबकि सरकार ने वादा किया। प्राइम मिनिस्टर तो पंजाब में जाके वादा करता है क्योंकि वहाँ उनके फॉलोवर 40% करीब है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। तो मेरा सवाल ये बनता है, चंडीगढ़ में हमारा गुरुघर तोड़ने की तैयारी चल रही है, तो हमारा सवाल ये है कि क्या हमारी आस्था नहीं है? क्या जैन धर्म के लोग की आस्था नहीं है? क्या सिख धर्म के लोग की आस्था नहीं है? क्या बौद्ध धर्म के लोग की आस्था नहीं है? तो इस्लाम धर्म के लोग की आस्था, जिसकी आस्था है, और जो आदिवासी जो प्रकृति उनकी भी आस्था है, सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 25-26 बार क्या देता, मैंने अपनी बात रखी है कि धार्मिक तौर पर असमानता नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको अपनी शपथ को भी याद करना चाहिए, और वो इंसान है, उसको जिस भी धर्म के ईश्वर को मानता है वहाँ जाकर जवाब भी देना पड़ेगा कि हमने क्या किया। सर एक सवाल, अयोध्या से जो सांसद हैं उनको TMC ने कहा है कि उनको डिप्टी स्पीकर बनाना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो हमसे नहीं पूछा गया कि भाई आप स्पीकर में किसके सपोर्ट में खड़े हैं, और जब डिप्टी स्पीकर पे बात हो रही है तो हमसे नहीं पूछा गया। जब हमसे नहीं पूछा गया तो भाई हम उनके बारे में क्या जवाब दें? हम ना राइट है ना लेफ्ट है, हम बहुजन है और हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। अगर कोई हमसे सम्मान किसी विषय बात करेगा तो हमसे चर्चा करें, नहीं करेगा तो हम अपना पार्लियामेंट जिस काम के लिए अपना काम करेंगे, अपने लोगों की आवाज़ उठाएंगे। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं है, अभी बहुत 38 सिफारिशें हैं जो बाकी, और जातिवार जनगणना पे कोई बात नहीं कर रहा है, और मॉब लिंचिंग पे कोई बात नहीं कर रहा है, तमाम तरह की परेशानियां हमारे लोगों के सामने हैं, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमें अपने लोगों के विषय पे बोलना है, जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है नौकरियों से, हमें अपने लोगों के विषय बोलना, हम इसलिए आए भाई। सर आप मानते हैं कि विपक्ष को देना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद? मैं कहता हूँ बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कौन से विपक्ष को? विपक्ष में तो हम भी हैं। तो जब मैं फिर कह रहा हूँ भाई, वो विपक्ष जो है जो अपने साथ के लोगों की नहीं सुन रहा है, हमसे बात कर रहा था, उन पर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी बात के साथ खड़ा हूँ कि बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए आए, उनके लिए हम संघर्ष करते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।